नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन ली है डिस्कशन के लिए। आज हम बात करेंगे सेलेनियम के बारे में और सेलेनियम को रूटीन में सेलेनियम मेट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन की अगर रूटीन की हम बात करें तो एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और होम्योपैथी में इसको डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव किया था। और इस मेडिसिन की हम बात करें तो ये जो होम्योपैथी के अंदर सेक्सुअल वीकनेस के आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट मेडिसिन है। एंड सेकेंडली, आपके जो बोन्स एंड टीथ होते हैं हमारे, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। और दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब उसके सिम्टम्स आपसे मैच हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बीमारी का नाम सुन लिया, कि मान लीजिए कि सेलेनियम की बात करें कि कोई एक डिजीज में हमने नाम सुन लिया और उसको मेडिसिन को मैं यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन आपको तभी प्रिस्क्राइब की जाएगी जब उसके सिम्टम्स आपसे मैच हो। तो चलिए, इसके हम सिम्टम्स को वन बाय वन, इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सेलेनियम का पेशेंट है उसके हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझे। कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब होता है कि वो पेशेंट फिजिकली और मेंटली कैसा आपको मिलेगा। दोस्तों, सेलेनियम के पेशेंट की जो सबसे पहली पहचान, जो इंपॉर्टेंट उसका सिम्टम्स है, वो ये है कि सेलेनियम का पेशेंट फिजिकली और मेंटली बहुत ही वीक होगा। तो पहले हम सेलेनियम जो इसके फिजिकल सिम्टम्स है उनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट आपको देखने में कैसे दिखेगा, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया वीक पेशेंट होगा। वीक यानी कमजोर पेशेंट होगा। तो कमजोर पेशेंट आपको कैसे दिखेगा कि एक दुबला पतला सा जो है बॉडी स्ट्रक्चर होगा इस आदमी का। इसके हाथ पैर भी बहुत पतले होंगे, बॉडी में बहुत ज्यादा आपको कहीं मांस नहीं दिखेगा, ओवरऑल दुबला पतला, देखने से आप कह सकते हो कि ये कमजोर सा पेशेंट है। इसके अगर आप फेस की बात करो, गाल तो आप देखोगे कि इसका गाल है वो भरा हुआ नहीं होगा। इसका चेहरा जो है बिल्कुल, जो होते ना दुबले पतले लोग, उनका पिचका हुआ सा चेहरा, इस तरह का चेहरे का ये आदमी होगा। और शरीर के अंदर इसके एनर्जी नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, आलस, थकावट, सुस्ती, इस तरह का सेलेनियम का पेशेंट होगा। अगर वो कहीं बैठा है तो आलस से बैठा रहेगा, ठीक है, मजबूरी में इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, अपने काम कर रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी या स्टेमिना नहीं है। इस तरह की अगर फिजिकल या शारीरिक वीकनेस देखने को मिल रही है तो ये सेलेनियम का पेशेंट हो सकता है, अगर बाकी सिम्टम्स भी और मैच हो तो। दोस्तों, अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों, ये फिजिकल के साथ में सेलेनियम का पेशेंट जो है मेंटली भी उतना ही वीक होगा। इसको जो है मानसिक रूप से भी हमेशा अपने आप को कमजोर ही पाएगा। इसकी जो मेमोरी है यानी जो याददाश्त है बिल्कुल वीक होगी। इसको जो पढ़ेगा वो भी याद नहीं रहेगा। कोई काम करने गया है तो वहां जाके भूल जाएगा मैं क्या क्या काम करने आया हूँ। हो सकता है कहीं सामान खरीदने गया है तो सामान वहीं पे भूल जाएगा, पेमेंट कर देगा, घर आएगा फिर इसको याद आएगा, अरे मैं सामान तो वहीं भूला गया। तो इस तरह की जो है डे टू डे लाइफ में इसको देखने को मिलेगा कि इसका जो मेंटली है मानसिक रूप से भी अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर पाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस तरह की फिजिकल और मेंटल वीकनेस आखिर क्यों आई उस आदमी को। तो दोस्तों, क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी हैबिट्स अच्छी नहीं रही, उनकी डे टू डे लाइफ की हैबिट्स अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनको फिजिकल और मेंटल वीकनेस देखने को मिली। अब कैसी हैबिट्स देखने को मिलेगी? रूटीन के अंदर कोई भी हेल्दी आदमी क्या करेगा, नाइट में टाइम से सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, फिर उसके बाद मॉर्निंग में अपना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, खेलने जाएगा, जिम जाएगा। सेलेनियम के पेशेंट ऐसा नहीं करता, वो क्या करेगा, नाइट में लेट नाइट तक सोएगा। हो सकता है कि कहीं मोबाइल पे बिजी है, इंटरनेट पे बिजी है, फ्रेंड्स के साथ बिजी है, या अपनी कुछ दूसरी हैबिट्स के अंदर बिजी है, वो लेट नाइट सोएगा, सुबह फिर लेट उठेगा और कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी नहीं करेगा। उसी तरह से जो यंग एज के आदमी है उनमें कुछ गलत आदतें पड़ जाएगी, मतलब हो सकता है उनको बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स वगैरह में बिजी हो जाए और कई तरह की गलत जो है उनको हैबिट्स जो है आदतें पड़ जाए, और इस तरह की आदतों से उनको धीरे धीरे इंपोर्टेंसी या नपुंसकता का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे लोगों की अगर हम खाने पीने की हैबिट्स की बात करें तो वो भी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों को अक्सर दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि इनको अल्कोहल की हैबिट्स पड़ जाती है। अल्कोहल किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बियर ले सकते हैं, वाइन ले सकते हैं, रम ले सकते हैं, ऐसी हैबिट्स उनको यंग एज में पड़ जाती है। कई बार इन लोगों को बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेने की आदत पड़ जाती है। रूटीन में भी ईटिंग हैबिट्स जो है हेल्दी नहीं रहेगी, मसालेदार खाना ज्यादा खाएंगे, फास्ट फूड्स वगैरह ज्यादा खाएंगे, इस तरह की हैबिट्स इनको ज्यादा पड़ जाएगी। तो ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, बाकी हैबिट्स भी अच्छी नहीं है। तो ये जब सारी आदतें रहेगी तो नेचुरली उनको जो फिजिकल और मेंटल वीकनेस धीरे धीरे आने को लग जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके अंदर सेलेनियम के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सेलेनियम होम्योपैथी के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी है सेक्सुअल वीकनेस की। तो किस तरह की वीकनेस, मेल्स में क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका जो मेन, मैंने शुरू में बताया कि जो सेलेनियम का पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर डिजायर होगी, मतलब उसके अंदर सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की डिजायर होगी, उसकी इच्छा होगी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, वीकनेस है, जो हमने शुरू में बात की, यानी इच्छा है लेकिन शारीरिक रूप से फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक है, शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर पा रहा है, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है,
और इसका कारण क्या है कि उसके अंदर जैसा बताया बचपन में काफी ज्यादा गलतियां कर ली या मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कोई चीजों का एक्सेस जब हो जाता है तो उसके कारण ऐसी वीकनेस उनको आने लगती है। और ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर भी हर टाइम जो है गलत थॉट्स या आप कह सकते हो कि सेक्सुअल थॉट्स वगैरह ज्यादा रहते हैं जिससे धीरे धीरे ऐसे उनको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसके कारण क्या होगा जब ये यंग आदमी जब अपनी मैरिड लाइफ में जाएगा तो उसके अंदर वही पाएगा कि डिजायर है लेकिन उसके कारण बॉडी के अंदर फिजिकली एनर्जी नहीं है तो उसको ईडी रहेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजुकुलेशन जो हम कहते हैं वो रहेगा, उसको नाइटफॉल की दिक्कत रहेगी, उसका जो सीमेन है उसके अंदर भी वो उसको महसूस होगा कि वीर्य के अंदर पतलापन महसूस कर रहा है, आप कह सकते हैं स्वप्न दोष की प्रॉब्लम रहेगी, धातु रोग जो हम कहते हैं धात रोग वो देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को दोस्तों स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम भी रहेगी। स्पर्मेटोरिया के अंदर क्या होगा कि जब ऐसे लोग नींद में होंगे या कहीं बैठे होंगे या कई बार स्टूल यानी मल त्याग कर रहे होंगे तो उनको लगेगा कि मेरा वीर्य निकल रहा है जिसको धात्रो कहते हैं बेसिकली। हालांकि वो वीर्य नहीं होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन होता है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम भी उनको देखने को मिलती है, उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये होगी यंग एज के आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही आदमी जब थोड़ा एज हो जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसकी वीकनेस के कारण उनको स्पर्मेटोरिया हो रहा था या धात्रों की दिक्कत आ रही थी, ये इनका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी साइज में बढ़ जाता है तो हम जिसको कहते हैं प्रोस्टेट बढ़ना, तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है जिसको बीपीएच भी कह देते हैं। और इन सब के साथ के अंदर क्या होगा उसको सेक्सुअल वीकनेस भी आने लगेगी। दोस्तों इस तरह के सिम्टम्स है, इस तरह की अगर वीकनेस है और इस तरह के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स और हिस्ट्री रही है तो सेलेनियम उसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट सिम्टम है हेयर लॉस। दोस्तों हेयर लॉस की भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन समझने की बात क्या है कि सेलेनियम का हेयर लॉस रूटीन का हेयर लॉस नहीं है। इसके हेयर लॉस की क्या खासियत होगी कि इसके हेयर लॉस में वो लोग जिनको दाढ़ी से बाल गिर गए, जिनको मूंछों से बाल गिर गए, सर्कुलर जो पैचेस हो जाते हैं जिसको हम एलोपेसिया इराटा भी कह देते हैं कि जगह जगह पैचेस में बाल गिर रहे हैं दाढ़ी से, मूंछ से, आपकी आईब्रोज यानी भौहें से, कई बार आपके प्यूबिक यानी जेनिटल एरिया के बालों के अंदर जो है गिरने की दिक्कत आ सकती है, कई बार आपको एक्जिला यानी यहां से भी आपके बाल गिर सकते हैं, अगर इस तरह का हेयर लॉस हो रहा है तो उसकी सेलेनियम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब हम बात करें नेक्स्ट की डाइजेस्टन से। जब ऐसा लोग जिसकी खाने पीने की हैबिट अच्छी नहीं है, टाइम से सो नहीं रहा है, खाना पीना भी उसका अच्छा नहीं, तो उसका जो डाइजेशन है वो अच्छा कैसा हो सकता है? तो नेचुरली उसका डाइजेशन जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा और उसके कारण इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना लगेगा। दोस्तों कब्ज के अंदर भी सेलेनियम की एक खास सिम्टम है, लक्षण है कि जो सेलेनियम का पेशेंट है इसको जो स्टूल होगा कब्ज के कारण वो लार्ज और हार्ड होगा, यानी उसको कठोर मल आएगा और बड़ा मल आएगा। और ये मल जो स्टूल है ये भी इसके क्या होगा कि इसका जब स्टूल लगेगा कि गुदा द्वार से बाहर आ गया है तो आते आते रुक जाएगा और वहां आके थोड़ा फंस से जाएगा, अटक जाएगा। और ऐसे लोगों कई बार ये भी लगता है कि मल जो है बाहर आने के बजाय वापिस ऊपर जाने लग गया। ऐसे लोग अक्सर अपने मल को फिर हाथ से मैकेनिकली या मैनुअली निकालते हैं। ये सिम्टम मैं आपको बताऊं साइलिसिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों सेलेनियम के पेशेंट को जो ये कब्ज है जिसमें उसको अपना स्टूल हाथ से भी निकालना पड़ रहा है, ये अक्सर देखने को मिलता है उन लोगों में जो लंबे समय तक कोई बीमारी से जिनको सामना करना पड़ा है या खास करके जिनको टाइफॉइड एंट्रिक फीवर वगैरह हम कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम बीमारी रही है और उसके बाद अगर ऐसा कब्ज है तो उसकी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की कि उनके यूरिनरी सिस्टम में पेशाब से संबंधित क्या दिक्कत आएगी। जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो पुरुष हैं जब वो थोड़ा एज्ड हो जाते हैं तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाता है, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगेगा तो उनको जो बीपीएच होगा उसके कारण क्या होगा उनका जो यूरिन है उसके अंदर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, यानी जो यूरिन है पेशाब है बूंद बूंद करके आएगा, हेजिस्टेंसी आएगी, अर्जेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और यूरिन प्रॉपरली क्लीन भी नहीं होगा, यानी बार बार उनको ऐसा लगेगा कि मुझे पेशाब आया है, फिर करने जाएंगे थोड़ा सा यूरिन आएगा और फिर रुक जाएगा, यूरिन करने जाएंगे तो भी उनको जोर लगाना पड़ेगा। ये सारी दिक्कत कब आती है जब प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट या जो बीपीएच है ये उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब हम बात करें स्किन के सिम्टम्स की, जो चर्म रोग है उसकी भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन वहां क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों पर्टिकुलरली मैं बताऊं सेलेनियम जो है हाथों के अंदर जो आपकी पाम्स है हथेलियों के अंदर मान लीजिए क्रैक्स आ रहे हैं, फिसर्स आ रहे हैं या वहां पे सोरेसिस जो हम कहते हैं सोरेसिस हो गया है जिसमें हाथों में असर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से वो लोग जिनको हाथों के अंदर स्केबीज हो जाती है, स्केबीज आप कह सकते हैं कि एक तरह से खुजली की बीमारी होती है, जिस तरह से आपके जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको जो है खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, वेसिकुलर इरप्शंस होने लगते हैं यानी पानी भरे हुए दाने से होने लगते हैं, अगर स्केबीज है तो इस तरह की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इसी तरह से जो सेलेनियम का पेशेंट होगा उसके फेस यानी चेहरे पे आप क्या देखेंगे कि ऑयली स्किन हो जाएगी इसकी, उसकी स्किन जो है बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा ऑयल सा लगा हुआ है और उसके कारण उसको एक्ने या पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है बाकी सारे सिम्टम्स मैच हो रहे तो सेलेनियम उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है।
दोस्तों इसी तरह से सेलेनियम, अगर आपके मान लीजिए एंकल्स में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, या कहीं भी आपके स्किन यानी आपके जो चमड़ी के फोल्ड है अगर वहां पे खुजली हो रही है, तो सेलेनियम उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कि सेलेनियम जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया, उसके भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन सेलेनियम रूटीन की जो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है वहां नहीं देना, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है। दोस्तों बहुत से लोग आते हैं और आपने भी देखा होगा जो बोलते हैं कि मुझे कच्ची नींद आती है। यहाँ कच्ची नींद से क्या मतलब है कि वो बिस्तर में गए, उनको नींद आ गई और वो नींद थोड़ा सा जैसे ही सोएंगे उसके बाद में हो सकता है कहीं पे हल्की सी आवाज आ गई, रूम में कोई हल्की सी आवाज आ गई, साथ में कोई सो रहा है वो थोड़ा सा उठ गया, कोई वॉशरूम गया, तो हल्की सी जो आहट या आवाज होता है उससे जो जग जाते हैं, जिसको रूटीन में कहते हैं कुत्ते जैसी नींद होना, कि कुत्ता क्या करता है अच्छी नींद लेता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसको आहट हो जाए, थोड़ा सा भी साउंड हो जाए तो जो डॉग या कुत्ता होता है वो तुरंत जग जाता है, तो इसको कच्ची नींद कहते हैं। तो इसलिए जो वो लोग जिनको इस तरह की कच्ची नींद आती है कि नींद आ गई लेकिन थोड़ी सी आहट से भी फिर जग जाएंगे और नींद में थोड़ा बहुत सपने भी आएंगे और वापस कोई आहट होगी जग गई, अगर इस तरह से अगर आपको कच्ची नींद आती है, डिस्टर्ब स्लीप आती है, तो सेलेनियम उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें एफोनिया, यानी वो लोग जिनको गले की आवाज बैठ जाती है, सेलेनियम उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन रूटीन में कोई आके कहते हैं मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मेरी आवाज बैठ गई, तो वहां पे सेलेनियम नहीं देना। सेलेनियम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, जो स्पीच देते हैं, या आप कह सकते हो जो सिंगर्स है, कई लोग जो भजन गाने जाते हैं, या कई लोग जो प्रोफेशनल सिंगर्स है, या मान लीजिए कॉलेज लेक्चरर्स वगैरह, या और कोई भी काम जिसमें लोगों को बोलने का ज्यादा काम है, ऐसे लोगों को अगर बार बार लगता है कि उनका गला बैठ गया है, आवाज अटक रही है, और उसके लिए उनको थोड़ा खांसी करनी पड़ती है, मान लीजिए बोल रहे हैं, बोलते बोलते अटक गए, फिर थोड़ा खांसेंगे, इस तरह से खांस के अपना गला क्लीन करेंगे और फिर अगर वो बोलने लगते हैं, तो ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सेलेनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मैंने सेलेनियम के मेन मेन सिम्टम्स थे जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अब इसकी कुछ जनरल हम बात करें जो होम्योपैथी के अंदर होता है कि सेलेनियम हॉट मेडिसिन या कोल्ड मेडिसिन है। तो जो सेलेनियम का पेशेंट होता है ये हॉट पेशेंट होता है, यानी जो सेलेनियम का पेशेंट है उसकी गर्मी में या हॉट जो सीजन होगा उसमें उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हम बात करें इसको कौन सी पोटेंसी में यूज किया जाना चाहिए। देखिए सेलेनियम की जो पोटेंसी है रूटीन में जो क्लिनिक में यूज होता है वो मैं आपको बताऊं, 30 पोटेंसी, 200 एंड 1 पोटेंसी, इनमें ज्यादा यूज की जाती है। लेकिन जो मेनली या जो आप कहेंगे जो बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं क्रॉनिक थोड़ा सा केस हो गया है ऐसे पे, तो वो 200 पोटेंसी जो है बेस्ट है इसकी यूज करना। आप 30 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, 1 mb, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है वो 200 पोटेंसी का यूज होता है। अब हम बात करें इसकी डोज की, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखनी चाहिए। दोस्तों आप होम्योपैथी के अंदर जानते हैं कोई भी मेडिसिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो उसकी पोटेंसी है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका केस कितना पुराना है। मान लीजिए कोई डिजीज है एक्यूट है, यानी कि तुरंत बीमारी हुई है, क्रॉनिक है, या और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से कोई बीमारी, उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन की पोटेंसी डिसाइड की जाती है। 30 देना है, 200 देना है, 1 mg देना है, और उसके अनुसार ही फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। रूटीन में अगर हम बात करें तो जो 30 CH है इसको दिन में एक बार दिया जा सकता है, कुछ जगह अगर एक्यूट कंडीशन है तो 2 times यानी दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, और जो 200 पोटेंसी है इसको आप अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा देना है तो डेली एक बार दे सकते हैं, अदरवाइज वीक में एक बार भी इसको दिया जा सकता है, और 1 mg पोटेंसी को आप एक बार दे दीजिए और उसके बाद बहुत लंबे समय तक जो होता है इसके रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें होती है आप डॉक्टर एज पर नीड और पेशेंट के सिम्टम्स और एक्यूट और क्रॉनिक अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। बट जो बेस्ट अगर हम वापस समराइज करें तो 200 पोटेंसी बेस्ट रहती है और इसको वीक में एक बार या 2 बार यूज किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करें कौन सी कंपनी की मेडिसिन आपको यूज करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्यों कमेंट्स में क्वेश्चन आता है। तो देखिए मेडिसिन आप कोई भी अच्छी कंपनी की यूज कर सकते हैं, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। जैसे मेरी क्लिनिक में मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर रैकवैक की यूज करता हूँ जर्मन के अंदर, या SBL की फिर मैं मेडिसिन यूज करता हूँ, ये 2 कंपनियां, या WSI मेरी क्लिनिक में मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, या आपको और भी कोई अच्छी कंपनी लगे तो उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि सेलेनियम किस किस के साथ इमाइकल है, तो उसके साथ मैं बताऊंगा एक तो हमारी जो होम्योपैथी की मेडिसिन है चाइना, उसके साथ ही इमाइकल है, और सेकंडली अल्कोहल, यानी अगर आप कोई तरह से अल्कोहल लेते हैं तो आपको सेलेनियम नहीं लेना चाहिए, या अगर आप सेलेनियम ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल का उस टाइम के लिए यूज जो है रोक देना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो सेलेनियम के मेन मेन जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं और इसकी डोज वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और हालांकि बहुत बड़ी मेडिसिन है तो जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं डॉक्टर के गाइडेंस में लें। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं, जोधपुर राजस्थान के अंदर है, वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्लिनिक का एड्रेस और अपॉइंटमेंट का मोबाइल नंबर भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।